हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। एंड आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में, एक कूल से स्ट्रैटेजी के बारे में। और स्ट्रैटेजी को हम साइड में रखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे हम ग्राफ को रीड कर सकते हैं, कौन सा ऐसा पैटर्न है। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ कैसे कर सकते हैं, या कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हम ग्राफ को जज करके कब ट्रेड एंटर कर सकते हैं फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन और फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। सिंपल और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो यार मतलब ये कि हम ग्राफ को कैसे रीड कर सकते हैं चार्ट को लेने, मतलब ट्रेड को लेने से पहले, ठीक है। यानी हम एक तरीके से सिंपली ओलिम को हैक करने वाले हैं। सॉरी, जोक्स अपार्ट, जोक था, बट सिंपली आज हम मैं बात करने वाला हूँ सिंपल सी और क्यूट सी स्ट्रैटेजी के बारे में। लेकिन यार एक और चीज़ बता देता हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती, लेकिन उसको फुल प्रूफ करने के तरीके मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जो इंटरफेस है आप देख पा रहे हैं, ओलिम्प ट्रेड का इंटरफेस मेरे लैपटॉप पे, वेब इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, मेरी अभी आईडी जो है वो लॉगिन है यहाँ पे। तो अब आज जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बॉलिंजर प्लस MACD स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं सुना होगा तो आज ये स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम नहीं, अगर आपने पहले भी सुनी है तो आज हम इसको कस्टमाइज़ करने वाले हैं टेक्निकल अवी वे से, यानी हमारे तरीके से आज हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है आपको बता देता हूँ। ग्राफ का टाइमिंग आपको रख लेना है 1 मिनट, 1 मिनट आपको ग्राफ का टाइमिंग रखना है। अब जाना है कैंडल्स पे, तो कैंडल्स पे आपको ना जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अनेबल कर लेना है। फिर जाना है इंडिकेटर्स पे, इंडिकेटर्स पे आप देखेंगे तो नीचे जाएंगे तो आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ मैं, और MACD मिलेगा। तो MACD को आपको जैसे कि जैसे सेटिंग्स है वैसे आपको अनेबल कर लेना है, इसको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं जो सेकेंड इंडिकेटर जिसकी मैंने आपको बात की, बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड देखें, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का आएगा तो उसको हमें क्लिक कर लेना। अभी देखो मैंने अप्लाई कर रखा है 2 बार, तो शायद तीसरी बार वो ना आए यूज़ करने के लिए, बट अगर मैं इसको एक बार कट कर दूंगा यहाँ से तो हम इसको जो आप बॉलिंजर बैंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली करना क्या है, जब आप 2 बार बॉलिंजर बैंड को यूज़ कर लोगे तो फर्स्ट बार जो फर्स्ट है उसको आपको एडिट करके 20 पे ले जाना है, ठीक है। SMA को आपको 20 पे रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको 2 पे ही रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको 2 पे ही रखना है। और जो सेकंड है, सेकंड बॉलिंजर बैंड पे आपको 15 कर लेना है, कलर कर देना है ग्रीन, डेविएशन का कलर कर देना है आपको बैंगनी यानी वॉयलेट, और यहाँ पे आपको जो है 2 कर लेना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी बड़ी ही कूल है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि सर आप कौन से स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वाइल ट्रेडिंग, या आप लाइव जाते हैं जब भी टेलीग्राम पे तो आप कौन से स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं? तो यार सिचुएशन वाइज मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, बट तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये भी मैं यूज़ करता हूँ हाल फिलहाल में, काफ़ी अच्छी वर्किंग पे है। और अगर बात कर दें अरुण की, वो भी अच्छी खासी इंडिकेटर वर्क कर रहा है। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो ना तो यार अभी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अदरवाइज लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं टेक्निकल स्पेस अभी स्पेस फैमिली और आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइन नहीं होते तो बहुत कुछ सीरियसली आप मिस करेंगे। तो अब मैं इस स्ट्रैटेजी की आपको वर्किंग समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ थोड़ी से इमेज पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये MACD हमने अभी अप्लाई कर रखा है, माफ़ी चाहूँगा, ये अभी बॉलिंजर बैंड आपको दिख रहा होगा, बॉलिंजर बैंड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ये कैंडल्स के पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं। अब कब आपको यहाँ पे कॉल लेना है और कब आपको पुट लेना है ये सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही हमारी जो वॉयलेंट लाइन है, बैंगनी कलर की लाइन है, वहाँ पे कोई भी कैंडल हिट करती है या उसको क्रॉस कर देती है तो उस कैंडल पे आपको वेट करना है, ठीक है। जब तक वो कैंडल जितना नीचे तक जाती है वहां तक वेट करना है, और फिर आपको नेक्स्ट पे कॉल ले लेना है, मतलब आपको मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है। अब यहां पे आते हैं, अब देखो इस सिचुएशन में जैसे ही आपको बैंगनी कलर की लाइन को ऊपर मार्केट हिट करता है, ठीक है, तो आपको जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है। अब बात आती है कि कितने मिनट के लिए आपको ट्रेड लेनी है, यानी आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, मिनट कितना रहेगा ट्रेड लेते टाइम। तो मैं उसके लिए आपको सिंपली बता देता हूं, आपको जो ट्रेड लेनी है वो लेनी है 5 मिनट्स की, ठीक है। यानी 5 मिनट्स आपको सेट करना है टाइम पे,
ट्रेड के जो टाइमिंग है वो 5 मिनट सेट करना है। अब देखो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको लेनी है कॉल, और यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में आपको पुट पे जो है बेट लेनी है नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे अगर आप पुट ले लेंगे तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और आप लगभग लगभग विन कर ही जाएंगे। ओके, तो ये केसेस रहते हैं। अब आपको एक और पिक्चर है, उससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली सिनेरियो। देखिए ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है एमएसईडी, एमएसईडी किस तरीके से यूज़ होगा मैं भी आपको, ये भी चीज़ मैं आपको भी समझाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा शायद लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स पे, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन पे, बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, ईच एंड एवरीथिंग, हाउ टू रीड ग्राफ बिफोर दी ट्रेड। हम ट्रेड लेने से पहले ग्राफ को कैसे रीड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे जजमेंट लेके कैसे ट्रेड ले सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये कितने सा, अब ये पूरा एक लगभग लगभग एक दिन का चार्ट है मेरे हिसाब से, जितना भी होगा ठीक है। तो अब आप देखोगे माफ़ी चाहूँगा, अब आप देखेंगे जहाँ भी ये क्रॉस कर रहा है उसके बाद आप जब भी ट्रेड ओपन कर रहे हैं फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आप विन करेंगे। जैसे ही आप देखिए हिट किया नीचे, इसने देखिए बैंगनी कलर को हिट नहीं किया है, जैसे ही आप वो हिट करेगा उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। देखिए यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्रॉस किया था लेकिन आपको वेट करना है फॉर नेक्स्ट कैंडल, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जब अगर कलर चेंज कर देती है ना तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर आप देखिए ये कैंडल तक आपने वेट किया, अब नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन मिली तो आपको ट्रेड ले लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर 5 मिनट्स। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपने रेड कलर की कैंडल दिखी आपको, यहाँ तक आपने वेट किया, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही आपको ग्रीन की दिखती है ट्रेड ले लो अपवर्ड डायरेक्शन फॉर 5 मिनट्स। सेम इसी केसेस में आप चलते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी वर्क करती है। लाइव डेमो में आपको करके दिखाने वाला हूँ। चले फिर अभी जो है वेब इंटरफेस पे जाते हैं। ये वेब इंटरफेस है, सेम मैंने अभी अप्लाई कर रखा है ठीक है। अब आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए बॉलिंजर बैंड मैंने अप्लाई कर रखा है, अब एमएससीडी का यूज़ क्या है यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होगा कि हमारी जो है स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं करेगी, उस केसेस में हमें एमएससीडी को चेक करना है। देखिए अब इस ग्राफ को देखते हैं तो सबसे पहले हम इस ग्राफ के हिस्ट्री पे नोट करते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं कि ग्राफ हमारा जो हिस्ट्री है क्या वो हमारी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वायलेंट कलर की जो लाइन है इसको क्रॉस किया यहाँ पे रेड कलर की लाइन ने ठीक है। तो देखिए यहाँ भी क्रॉस किया था लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली क्योंकि हमें नेक्स्ट कैंडल भी ब्लैक रेड मिली। अब यहाँ भी ट्रेड नहीं ली क्योंकि हमें नेक्स्ट कैंडल भी रेड मिली। अब यहाँ भी ट्रेड नहीं ली क्योंकि नेक्स्ट कैंडल भी रेड मिली। लेकिन जैसे ही आपको नेक्स्ट कैंडल मिलती है ग्रीन, चाहे वो छोटी सी भी बनती है, तो हमें 5 मिनट के लिए ट्रेड लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और हम डेफिनेटली विन करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे और ऐसी सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे इसको बैंगनी कलर की जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल है हमें मेरी ग्रीन कलर की और हमने मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ 5 मिनट की ट्रेड ले ली और हम विन कर गए डेफिनेटली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो चले अभी फिलहाल इस तरीके को सिचुएशन मिली नहीं, बट देखिए अभी अभी हम ट्रेड लेते हैं 5 मिनट्स की। देखिए अभी देखो सिचुएशन हमारे पास बड़ी कूल है, बड़ी अच्छी सी सिचुएशन है। एंड देखिए अभी है, अभी रेड कलर की कैंडल है लेकिन बैंगनी कलर की लाइन को क्रॉस कर चुकी है, तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारे पास ग्रीन कलर की कैंडल नहीं मिलती। जैसे ही हमारे पास ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है हम ट्रेड यानी ऑर्डर जो है हमारा प्लेस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट $10 कर देता हूँ, $1 में मज़ा नहीं आता, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यार ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। पेशेंस इन द सेंस कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपको इस तरीके का सिनेरियो नहीं मिलता। यहाँ पे आप हर 1 मिनट में ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको 30 मिनट्स भी लग जाएंगे ट्रेड लेने में क्योंकि आपको अलग अलग करेंसी चेक करनी पड़ती रहेंगी और सिनेरियोज चेक करते रहने, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन विनिंग डेफिनेटली है, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो विन आपका कन्फर्म है ठीक है। आपको विन कन्फर्म होगा, कन्फर्म का मतलब यार ज़्यादातर चांसेस है। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि किस तरीके से, यानी 100% किसी भी स्ट्रैटेजी में चांसेस नहीं होते विन करने के, लेकिन उन केसेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए हम लाए हैं एमएससीडी। तो यहाँ पे यार बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है यूज्ड बाय टेक्निकल, अभी आपके ही चैनल पे सबसे पहले लेके आया हूँ। और आपको भी पता है यार मैं स्ट्रैटेजीज पे टेस्टिंग करता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ नई नई स्ट्रैटेजी, नए नए तरीके, और जो सबसे अच्छी मुझे लगती है वो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। आफ्टर टू मच टेस्टिंग
बहुत सारे टेस्टिंग पर्पसेस के बाद, और उसके बाद आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेके आता हूँ, तो वर्थ आपके लिए ज़रूर होती है। और यार एक लाइक कर दोगे ना आप, तो बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। तो यार वीडियो अभी पॉज करके, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो ना, तो एक लाइक कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब जैसे ही मुझे रेड कलर की कैंडल मिली, मैंने, माफ़ी चाहूँगा, मुझे ग्रीन कलर की जैसी कैंडल मिली मिली मैंने जो है ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर 5 मिनट्स। अब देखते हैं, देखिए सपोज़ करते हैं अब ये जो ट्रेड है हम जीतेंगे, ठीक है, मान के चल तो हम जीतते हैं। और अगर हम एक नेगेटिव केस में लेके चलते हैं कि अगर हम हार जाते हैं, तो उस केस में हमें क्या चेक करना है? अब फिर हम जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे MACD। देखिए MACD में अभी ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन है वो रेड कलर की ट्रेंड लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करके गई है। इसका मतलब मार्केट जो है MACD के अनुसार डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है, बट हमारी स्ट्रेटजी जो है वो सपोर्ट कर रही है अभी अपवर्ड डायरेक्शन को। तो हम अगर ये ट्रेड नहीं विन करते, तो MACD के हिसाब से ये करेंसी जो है हम इसको अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सेम डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। MACD अगर कह रहा है हमें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और हमारे पास बॉलिंजर हमें कह रहा है अपवर्ड डायरेक्शन है, तो अगर बॉलिंजर की तरफ से अगर हम विन करते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम नहीं करते विन तो हम चेक करेंगे MACD को। ठीक है, देखिए अभी फिलहाल MACD की देखिए कोण बनना स्टार्ट हो गए हैं और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है, तो वर्किंग जो है स्ट्रैटेजी की वो बहुत अच्छी है। जैसा कि आपने बताया MACD को भी यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ट्रेडिंग सिग्नल डायरेक्शन, ओहो ओके, अभी देखिए ये जो है VIP अकाउंट का फ़ायदा आपने देखा। अभी मेरे को 2 घंटे के लिए बोला गया कि GBP और जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा रहेगा। ये आप VIP अकाउंट में होते तो इस तरीके कुछ आपको सिग्नल्स मिलते रहते सॉरी, हालांकि वो जो सारे सिग्नल्स हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ आपको, सारे सिग्नल्स आपके करेक्ट नहीं होते हैं, वहाँ पर गलत भी काफ़ी होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है आपको अगर VIP एक्सेस आपके पास है तो। और आपको तो पता ही है हमारा जो चैनल है वो यही चीज़ अनेबल करता है। मैं अभी तक आपको पता है ओलिम्प से प्लस बायनमो से डिस्कशन कर चुका हूँ रिगार्डिंग योर विड्रॉज, रिगार्डिंग योर सर्विसेज एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोई भी इशू होता है ओलिम्प से रिलेटेड, बायनमो से रिलेटेड, तो आई एम हियर, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब देखिए अभी हम फिलहाल देखिए हमारी जो स्ट्रेटजी कितनी अच्छी वर्कआउट कर रही है। तो अभी मैं आपको फिर से जो है स्ट्रेटजी दोहरा देता हूँ जब तक हमारी जो ये ट्रेड है वो फिनिश होती है। देखिए जब भी ये ब्लू कलर की माफ़ी चाहूँगा, ये वॉयलेंट कलर की जो लाइन है, बैंगनी कलर की जो ट्रेंड लाइन है, इस पर कोई भी जो है क्रॉस कर जाती है। देखिए अभी ये रेड कलर की क्रॉस ज़रूर किया था, फिर से रेड कलर की कैंडल बनी और फिर से ग्रीन कलर की बनी, लेकिन अभी यहाँ मैं ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लेस की? क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, वो नेक्स्ट कैंडल अगर ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाती है, उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी है। सिंपल, ठीक है, सिंपल और इजी वे ये है, उस डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेनी है एंड काफी हद तक हम विन करेंगे। लेकिन यार अभी भी मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, पेशेंस, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पेशेंस जरूर रखना। और यार आपके भाई ने स्ट्रैटेजी बनाई है यार, ये स्ट्रैटेजी आपको पता है, आप बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, MACD यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज़ करना ना, वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के ऊपर आती है। तो भाई के लिए ना चैनल पे जो है नए जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो यार करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो आने वाले वीडियो के अपडेट्स के लिए, ताकि सबसे पहले अपडेट्स जो है आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। और अब देखिए नीचे की तो देखेंगे MACD भी हमारा सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो ट्रेड है हम क्लियर कट विन करने वाले हैं। MACD प्लस बॉलिंजर बैंड सपोर्टिव है हमारी इस स्ट्रैटेजी के लिए। और एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको ये कंडीशंस मिल जाती हैं तो इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये करेंसी का मार्केट बिल्कुल फेवरेबल है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये ऊपर क्रॉस कर जाता है ट्रेंड लाइन को, तो मैं जो है ट्रेड ले सकता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब रेड कलर की ट्रेंड लाइन फिर से, लाइक रेड कलर की कैंडल जो है बनना फिर से स्टार्ट हो गई है। हमारे पास हैं जस्ट 57 सेकेंड्स एंड देखते हैं कि क्या होता है 57 सेकेंड्स में। ओहो, ये बहुत ही लंबी ट्रेंड लाइन, लाइक बहुत ही लंबी कैंडल ने चेंज जो किया है, बट देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सिनेरियो को। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अभी MACD, देखो MACD में ऊपर देख पा रहे हो आप, छोटे 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 आपको दिख रहे थे, बट अब वो भी बंद हो गए। इसका मतलब जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन अभी जो है हैवी है, अपवर्ड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन हैवी है। एंड अभी जो सिनेरियो है काफ़ी यार लाइक डिफिकल्ट हो गए हैं फॉर दिस, आफ्टर दिस कैंडल
ये जो कैंडल है रेड कलर की, इसके बाद तो है सिनेरियो बहुत ही मुश्किल हो गया है विन करना, बट हमारे पास अभी 19 सेकंड्स है। द डिफिकल्ट थिंग क्या है आपको पता है अबाउट नॉट 19 सेकंड्स, द थिंग इज हमारे पास जो है 2 सेकंड्स के बाद एक नई कैंडल बनेगी और उसका क्या फेवर रहेगा हमारे हक में या नहीं उस पर डिपेंड करेगा। ओके ओके गॉट इट वी वॉन्ट दिस ट्रेड। ओके लाइक लगभग हम जीत गए हैं एंड ओके वी वॉन्ट इट, तो हम जीत गए हैं बट लेकिन बीच में एक इम्पैक्ट ज़रूर रहा था जिसने प्रभाव ज़रूर डाला। ओके तो जब भी देखो इस तरीके की सिचुएशन आती है जब आपके ओवरलैप्स कर जाती हैं दो कैंडल्स और एक हॉरिजेंटल लाइन में चलने लग जाती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता इन दिस सिनेरियोज, काइंड ऑफ दिस सिनेरियोज में, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा यार स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी और ट्रेड्स जो है आप लिख के चेक कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कोई सिग्नल नहीं है हमारे बोलिंजर बैंड को लेके। आप स्ट्रेटजी समझ गए होंगे, जैसे ये ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा वॉलेट लाइन को, उसी टाइम पे आपको डायरेक्शन चेंज करनी है आपकी स्ट्रेटजीज की। ओके तो उम्मीद करूंगा यार वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा अगर पसंद आई होगी तो, क्योंकि यार वीडियो का जो थंबनेल है आई थिंक मैंने जस्टिफाई कर दिया इन दिस वीडियो। बहुत सारे लोग आफ्टर दिस वीडियो जो भी वीडियो देख रहे होंगे ना, उस वीडियो देखने के बाद आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व ज़रूर हुई होंगी कि ट्रेड कैसे लेनी है और किस तरीके से हम जो है ट्रेड लेने के बाद विन कर सकते हैं, हमारे पास किस तरीके से सिग्नल्स मिल सकते हैं, किस तरीके से हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जज कर सकते हैं और बहुत कुछ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ, या तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, वीडियो के साथ बने रहो और चैनल के साथ बने रहो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ एंड थम तो आपने अब कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच।